हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदर, यू आर वाचिंग माय चैनल रदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास रीकनेक्ट का इन्वर्टर एसी और उसमें L1 करके एरर शो हो रहा है तो L1 एरर क्यों आता है, इसकी मीनिंग क्या है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रदर रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे रिकनेक्ट इन्वर्टर एसी में अगर L1 एरर आ रहा है तो ये एरर आ रहा है गाइस आपका हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है ये, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपने एसी की जो सप्लाई जा रही है उस सप्लाई को चेक करिए, हो सकता है वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है गाइस तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के अपने लाइन को ठीक कराइए। लाइन ठीक कराने के बाद जो है एसी को प्रॉपर करंट मिलने के बाद ये एरर पूरी तरीके से हट जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको एक स्टेबलाइजर परचेस करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर लगाने के बाद जो एसी को है प्रॉपर करंट जाएगा और ये वाला जो एरर है L1 वाला एरर वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।